हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जनू क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। फाइनली जो है अपडेट आ चुकी है राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की, जिसका हम सभी इंतजार कर रहे थे कि कब तक इसका सिलेबस जारी होगा, कब तक इसका एग्जाम पैटर्न जारी होगा। तो फाइनली सिलेबस और एग्जाम पैटर्न आ चुका है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने कंप्यूटर अनुदेशक शिक्षक भर्ती का। यहाँ पर जो पैटर्न है और सिलेबस है वो ऑफिशियली जारी कर दिया है। तो क्या पैटर्न रहने वाला है, क्या सिलेबस है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। कल मैंने वीडियो बनाई थी, कल इवनिंग में ही मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, इसमें आपको बताया था कि भाई जो है कंप्यूटर का स्थायी रूप से कर दिया है और शिक्षा विभाग का नोटिस भी आ गया था कि स्थायी रूप से हम भर्ती करेंगे। कंप्यूटर की लगभग 10,453 पोस्ट है, तो उनकी स्थायी रूप से भर्ती होने वाली है। तो कल मैंने वीडियो बनाई थी और अब सुबह मैं आपको बता रहा हूं कि फाइनली नोटिफिकेशन आ चुका है, जो सिलेबस है उसके बारे में बता दिया कि ये सिलेबस होने वाला है। एग्जाम फॉर्म कब से भरे जाएंगे उसका नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया, उसके लिए थोड़ा सा आपको इंतजार करना होगा। तो जब सिलेबस आ चुका है, पैटर्न आ चुका है, तो जल्द ही एग्जाम फॉर्म आपके कब से भरे जाएंगे इसका भी नोटिफिकेशन जल्द आउट हो जाएगा। वीडियो को स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की, SSC, रेलवे, बैंक की, तो आप जुड़ सकते हैं भारत के नंबर वन लर्निंग ऐप अनअकैडमी पर। अनअकैडमी पर रेगुलर मेरी फ्री स्पेशल क्लास और प्लस क्लास हो रही है। प्लस क्लास सुबह 8 से 9 और फ्री स्पेशल 11 से 12 मेरी क्लास होने वाली है। तो आज सुबह 11 बजे मैं आपको पढ़ाने वाला हूं स्टैटिक जीके और जनरल साइंस। तो उसका जो क्लास का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, उस पर क्लिक करना, क्लास ओपन हो जाएगी। और अपकमिंग क्लासेस के लिए अनअकैडमी की जो मेरी प्रोफाइल है उस पर आप फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की बात करें, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक 9,862 पोस्ट है, वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक की 591, टोटल 10,453 पोस्ट है। तो यहां पर अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन की, वैसे तो अभी जो क्वालिफिकेशन है उसको क्लियर नहीं किया है, लेकिन अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन की तो यहां पर मैं आपको वापस ही बताना चाहूंगा कि क्या क्या क्वालिफिकेशन आपकी हो सकती है। तो ये मैं कंप्लीट योग्यता बता रहा हूं आपको, जो वरिष्ठ कोर्स है मतलब जो यहां पर मास्टर कोर्स है वो हो जाएंगे वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के लिए, और जो यहां पर आपके ग्रेजुएशन लेवल के जो कोर्स है, डिप्लोमा कोर्स है, वो आपके बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के लिए हो जाएंगे। तो यहां पर कौन कौन सी डिग्री या डिप्लोमा होनी चाहिए आपके पास में, तो अगर आपने बीटेक सीएस या आईटी में कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। आपने अगर एमटेक कर रखा है सीएस आईटी से तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। बीसीए, एमसीए, बीएससी, सीएस आईटी, एमएससी इन आईटी या सीएस, पीजीडीसीए, ओ लेवल, ए लेवल का आपने कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स कर रखा है, या इसके अलावा पॉलिटेक्निक आपने जो है सीएस या आईटी से की है, तो आप एलिजिबल है दोनों भर्तियों के लिए। अब इसमें जो है वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के लिए आप देख सकते हैं कि यहां पर जो मास्टर कोर्स है जैसे एमटेक, आईटी, सीएस हो गया, इसके अलावा आपका एमसीए हो गया, तो ये आपका वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के लिए हो जाएगा। बाकी के जो यहां पर एलिजिबिलिटी है वो आपके बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के लिए हो जाएगी। तो ये तो रही योग्यता की बात। एज लिमिट मैंने आपको कल ही बता दिया था जब वीडियो बनाया था कि मिनिमम 21 वर्ष होनी चाहिए और 21 ही होगी, इसके अलावा 40 मैक्सिमम हो सकती है, और जो आरक्षित वर्ग है उनको छूट भी दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं जो नोटिस जारी हुआ है, जो आपका सिलेबस और एग्जाम पैटर्न आया है उसके बारे में। नोटिस जारी हुआ है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का, जिसमें आपके बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के पदों की भर्ती के संबंध में सिलेबस और पैटर्न जारी हुआ है कि एग्जाम पैटर्न क्या रह सकता है। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे, अब थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूं कि पे मैट्रिक्स लेवल क्या रहने वाला है, सैलरी क्या रहने वाली है। तो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की बात करें तो यहां पर लेवल 8 रहने वाला है, जिसमें लगभग आपके जो है 9,862 पोस्ट हैं और लगभग आपकी 2800 पे ग्रेड होगी। वहीं हम वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक की बात करें तो लेवल 10 यानी यहां पर संभाग स्तर पर ये पोस्ट होंगी और इसमें जो है आपको 3600 पे ग्रेड की जॉब मिलेगी। अब यहां पर हम आपको बताना चाहते हैं कि आपका जो पैटर्न और सिलेबस है वो ये है, इस प्रकार से है। ये पीडीएफ में आप देख सकते हैं कि यहां पर जो है वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक का दे रखा है, दो पेपर होंगे, एक जनरल अवेयरेंस का होगा यानी यहां पर जीके कंप्लीट होगी, इसमें राजस्थान जीके, कुछ रीजनिंग के टॉपिक्स होंगे, और ये आपका जो है 100 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के, और 2 घंटे का आपका पेपर होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होने वाले हैं, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के होंगे, 2 घंटे का पेपर होगा। कुछ टॉपिक्स आपके दे रखे जिसमें आपके आर्ट एंड कल्चर हो गया, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स राजस्थान की, इसके अलावा कुछ टॉपिक यहां पर रीजनिंग के होने वाले हैं जो आपको यहां पर दे रखे हैं। तो ये तो आपका पेपर फर्स्ट है। पेपर सेकंड की अगर हम बात करें, पेपर सेकंड की अगर हम बात करें तो ये आपका जो है ये भी 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 ही नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे का आपका पेपर होने वाला है, और इसमें आपके जो जो कंप्यूटर का जो सिलेबस है, जो आपके बेसिक कंप्यूटर या जो आपके जो भी डाटा इंटरप्रिटेशन या फंडामेंटल कंप्यूटर, जो भी आपके टॉपिक्स हैं कंप्यूटर के, जो
आपके कंप्यूटर साइंस के सिलेबस है, चाहे वो लैंग्वेज हो, चाहे वो आपके जितने भी टॉपिक हैं, वो सबके सब इसमें आप देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पर काफी सारे बच्चे बोलेंगे, सर आपने ये तो वरिष्ठ कंप्यूटर का बता दिया है, जो यहाँ पर आपके बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक है उसका क्या सिलेबस होगा? तो भाई पैटर्न सेम सा ही रहने वाला है और सिलेबस भी सेम सा ही रहने वाला है, बस इसमें जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस आएगा लेवल का, तो वो आप लोग एक बार देख लेना। तो ये PDF मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। और इस प्रकार की और अपकमिंग अपडेट्स के लिए आप चैनल पर बने रहें। ऐसी जो है कंप्यूटर शिक्षक और अन्य जितनी भी भर्तियां हैं राजस्थान के अंदर, उनसे जुड़ी हुई न्यूज़